शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो हेलो शिवांश, प्लीज फोन मत रखिए अब प्लीज। हमारी एक आखिरी बात सुन लीजिए, हमें बस एक बार आपसे मिलना है शिवांश, प्लीज सिर्फ एक बार। अगर आपने कभी भी एक पल के लिए भी हमसे प्यार किया है या हम पर भरोसा किया है तो प्लीज आ जाइए मिलने। पता हम आपको भेज रहे हैं शिवांश, प्लीज मना मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है श्रावणी जी, हम आखिरी बार आते हैं, लेकिन याद रखना आज आखिरी बार मिलना होगा आपसे। ठीक है शिवांश, शिवांश आपको दिखाई नहीं देता, श्रावणी आपको मोहरा बना रही है, आपको अपने जाल में वापस फंसा रही है, आप कहे जा रहे हैं? आपने शायद ठीक से सुना नहीं कि हमने क्या कहा, आज हम उससे आखिरी बार मिलेंगे, आखिरी बार। आज पता करके रहेंगे कि सच क्या है। नहीं शिवांश, मम्मी 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 देखा, शिवानी ने शिवांश को कॉल करके बुला लिया। मम्मी शिवांश को अगर उसकी बातों पर भरोसा हो गया तो हम क्या करेंगे? मम्मी मम्मी हम ना एक काम करते, हम ना उनके आने से पहले यहाँ से चले जाते, हम जाके अपना सामान बांधते। अब आइए, अब जल्दी आइए मम्मी। पता नहीं कहाँ रह गए शिवांश। लीजिए आ गए हम, बोलिए हम सुन रहे हैं। शिवांश हम बस तुमसे माँ के बारे में बात करना चाहते, जानते हैं कि तुमने उनके कोख से जन्म नहीं लिया है और ये भी मानते हैं कि तुम आज उनसे बहुत नाराज। लेकिन शिवांश आंख बंद करके सोचो, क्या उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी भी तुम्हें अपना बेटा नहीं माना? क्या किसी भी मायने में उन्होंने एक माँ होने का फर्ज नहीं निभाया? हाँ, उन्होंने एक माँ होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। शिवांश आपके पापा को गोली माँ ने मारी थी। जानते हो, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि उन्होंने वो गोली क्यों चलाई। आपके और स्नेहा के लिए चलाई थी उन्होंने गोली शिवांश, बहुत छोटे थे, आपको कुछ याद भी ना हो, शायद माँ की तकलीफें आपको दिखाई भी ना दी हो, लेकिन आपके पापा वो माँ पर हाथ उठाते थे, बहुत मारते थे उन्हें, पर इतना ही नहीं वो एक भरोसेमंद इंसान भी नहीं थे। पैसों के लिए उन्होंने एक ऐसी चीज की जो कभी कोई बाप करने को सोच भी नहीं सकता। उन्होंने पैसों के लिए स्नेहा का सौदा कर दिया था, उस नेहा को बेचना चाहते थे शिवांश, जिस बहन को आपने गुड़िया की तरह पाला, जिसकी एक ख्वाहिश के लिए आप दुनिया इधर से उधर कर देते, उस नेहा को बाजार में। श्रावणी, यही सच है शिवांश, यही सच है। शिवांश आप कुछ सोचिए,
अगर कल को हमें भी गुड़िया हुई और अगर उस पर किसी ने गंदी नजर डाली तो आप क्या करेंगे? जरूरत पड़ी तो उसे मार भी सकते हैं ना? उसी तरह शिवांश माँ ने भी वही किया। उस दिन बाबा और आपके पापा के बीच जब हाथापाई हुई तो पापा तो घबरा कर वहां से चले गए थे, और जब माँ ने देखा कि आपके पापा ऐसे घायल है तो उन्हें सिर्फ एक यही रास्ता सूझा शिवान, खुद को और अपने बच्चों को बचाने का, कि वो अपने पति को ही गोली मारते। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सब सच है। तो कुछ नहीं शिवांश, हम बस इतना चाहते कि आप माँ को दोषी मत मानिए। और एक बात और, आपको दिखाई नहीं देता चंद्रताई जी हमारे साथ खेल खेल रही है? एक बार फिर वो हम दोनों को अलग करना चाहती है। आप एक बार फिर उनके हाथ का खिलौना बन रहे हैं। उनकी हताश कभी गई नहीं थी। कि हमारे बीच जो गलत फहमी हुई ये सब उनकी वजह से हुई है। हम अपना बच्चा गिराने की कोशिश कभी नहीं किए शिवांश, हम क्यों करेंगे ऐसा? और रही बात रोहन की, तो हमारा रोहन के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर रिश्ता होता ना, हम इतना अपमान नहीं सह रहे होते, कब के चले गए होते। हमारी सच्चाई का सबूत है हमारे पास शिवांश, और हम उसे लेकर ही आ रहे थे, लेकिन तब ताई जी ने हमें धमकी दे दी कि अगर हमने आप सबको सच बताया तो वो सबको बता देंगे कि माँ ने गोली चलाई थी। और इन सब बातों का उनके पास सबूत है, बस इसी वजह से हम चुप थे शिवांश। लेकिन अब जब माँ ने खुद बोली, अब आज आप सब बोली, आज हम आपकी सारी दलीलें सुनेंगे, लेकिन सिर्फ आज और आखिरी बार। इसके आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए हमारे साथ, ताई जी की सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। चलिए, हम भी सच्चाई जानना चाहते हैं। चलिए। मम्मी खड़ी क्यों हो? चलो जल्दी जल्दी सामान बांध दो, पर्दा उठ गया हमारा शो से। चलो मम्मी चलो जल्दी। आपको पता है ना, शिवांश श्रवणी पर फिर से भरोसा करने लग गया, और अब शिवांश को सब कुछ पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि आपकी यादाश्त कुछ नहीं गई थी। और फिर सोच लो फिर क्या होगा हमारे साथ। अगर बचना चाहते हो ना तो सामान बांधो और चलो यहाँ से। सोच क्या रही हो मम्मी? अगर पकड़े गए ना तो जिंदगी जेल में गुजरेगी। चलो चलो भागो यहाँ से जल्दी। हाँ मम्मी, मम्मी चलो ना, क्या सोच रही हो? मम्मी हमारे बारे में मत सोचो। हाँ हम शिवान से प्यार तो करते हैं, उसके लिए किसी को मार भी सकते हैं, पर इतना भी प्यार नहीं करते कि उसके हफ्ते चढ़ जाए। हमारा माता नहीं खराब है। चलो अब जल्दी चलो यहाँ से। चलो मम्मी, मम्मी चलो, हमारी बात मान लो। चलो चलो मम्मी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो मम्मी। जब जहाज डूबता है ना तो सबसे पहले चूहे ही भागते हैं। वजुदा
कहाँ जाने की तैयारी है? हम कहीं हम बताते हैं अम्मा। वो क्या है ना, अब इनका पर्दा फाश हो चुका है। ताहिर जी की आताश कभी गई नहीं थी। आज तक सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही थी। आज आप सब कुछ सच बताएंगी, वरना हम क्या कर बैठेंगे ये हमें भी नहीं पता। आपको पूरी तरह से तो नहीं पता, याद आ रहा लेकिन कुछ कुछ याद आने लगा है। हम बताने वाले थे, कसम से बेटी बोलने वाले थे ना, हम अभी अंदर यही बोल रहे थे ना कि कुछ कुछ याद आ रहा है, बताएंगे। हाँ 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 अम्मा जी, मम्मी सच कह रही है। अब फिर एक बार आप झूठ बोल रही है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सारे सबूत हमारे पास है। वो अस्पताल में जो नर्स जिसको आपने धमकी देकर पैसे का लालच देकर अपनी तरफ किया था, उसी से कहा था ना आपने हमारे बच्चे को गिराने के लिए? नहीं, झूठ है। हम काहे तुम्हारे बच्चे को मारना चाहेंगे? हमको क्या फायदा है अम्मा जी? किसी के बच्चे को मारकर हमको क्या मिलेगा? जब तुम होश में आई थी, तुमने मंजूरी दी थी और तुम्ही ने दस्तखत किए थे उस कागज पर, हमारा क्या लेना देना? झूठ बोल रही हैं आप। हमारे पास सारे सबूत हैं। वो नर्स सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार है। नहीं अम्मा जी, अम्मा जी ये झूठ बोल रही है। ठीक है अम्मा, शिवांश आप सब चले, हम आप लोगों को नर्स के घर ले चलते, वो खुद सब कुछ सच सच बता देगी, सब साफ हो जाएगा। हाँ चलो, आज इनका ड्रामा खत्म करते हैं। हमको भी सच जानना है कि आखिर है क्या। अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम लोगों के साथ चलेंगे। हाँ चलिए ना, हमको डर नहीं है किसी का। हमें तो बस इस बात का है कि हमारी बेटी की शादी रोकने के लिए ये सास बहू पता नहीं और आगे काका करेंगी। हमको काका परीक्षा देनी पड़ेगी। हमने क्या किया है? आपने नहीं किया, आपकी बहू वसुधा ने किया। वो पुलिस स्टेशन में जाके उसने खुद गवाही दी है कि उसने आपके बेटे को मारा है। गोली चली थी आपकी बहू ने, चलाई थी आपके बेटे पर। अम्मा जी हम आपको बताना नहीं चाहते थे, हम चुप बैठे थे, लेकिन हमने आपको बताया, कहे कि हम पर झूठा इल्जाम सब लगा रहे हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। क्या बक रही हो बड़की ठकुराइन? नहीं हम नहीं बक रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे अम्मा जी। ये दोनों से पूछिए हम सच कह रहे हैं झूठ पूछिए। दुलाल शिबू बोलो, तुम चुप क्यों हो? अम्मा लेकिन माँ के हालात ही कुछ ऐसे थे कि हालात क्या हालात थे, थोड़ी सी शराब ही तो पीता था। अम्मा सिर्फ इतनी सी बात होती तो माँ सह लेती, जो वो इतने सालों से सह रही थी, सब कुछ, अपना अपमान मार पीट सब कुछ, उन्होंने कभी भी ये बात किसी को नहीं बताई, किसी से कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन अम्मा
जहां बात अपने बच्चों पर आती है तब हर माँ उठ खड़ी होती है। अम्मा, आप भी तो एक माँ है ना, अपने बेटे के मौत के बदले के लिए आप भी किसी हद तक जा सकती है और गई भी है। अम्मा, सिर्फ बच्चा गिराने की इस एक गलत फहमी में आप हमें घर से बाहर कर देना चाहती थी, तो माँ का सोची, उन्हें तो पता चला था कि उस नेहा को पैसों के लिए बाजार में बेचना चाहते थे। शिबू, इसे कह दे कि चुप हो जाए। हमारे परे हुए बेटे पर कीचड़ उछालना बंद करो तुम। अम्मा, अब तो शिवांश भी इस बात को मान चुके हैं। माँ ने पता नहीं किन हालातों में ये सब क्या होगा। हाँ माँ, श्रवणी ठीक कह रही है। जब हम छोटे थे तो हमें धुंधला धुंधला याद है कि पापा का रोज रोज शराब पीकर घर पे आना, माँ को मारना, हम पर हाथ उठाना। हमने बहुत बार माँ के चेहरे पर हाथ पर चोट के निशान देखे थे। अब तो अम्मा, हम छोटे थे, कुछ समझ नहीं पाते थे। आज हमको सब समझ में आ रहा है कि क्या सही था और क्या गलत। इसकी बात क्या माने, ये तो खुद की को गुजारनी जा रही थी। इसका हिसाब तो हम वसुधा से लेकर ही लेंगे। हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। शिबू, हमें सच जानना है, इनके बारे में भी और दुल्हन के बारे में भी। चलो अम्मा, आज इनका ही निपटा देते सब। तुम भी चलो, देख क्या रही हो। चल रहे हैं। अरे जी। चलो अम्मा। शिबू आओ, चलो हमारे साथ। आज इनका ड्रामा देख ही ले। अरे शिवांश, बस आज भर का समय मिल जाए किसी तरह, हम पूरा खेल एक बार फिर पलट देंगे। शिवांश, शिवांश, अरे शिवांश, अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो संभाल ही नहीं पा रहा अपने आप को। कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे साले बाबू, शिवांश, शिवांश, शिबू, अम्मा जी, पहले इसको संभालना जरूरी है। हमारी कचहरी तो कल भी लग सकती है, हम कहाँ भागे जा रहे हैं? राम जी, हम ठीक है। अम्मा, हम शिबू, शिबू, हाँ ठीक है अम्मा, लेकिन हम चाहते थे कि सारा सच आज ही। हाँ, लेकिन सच तो सच है, कभी भी सामने आ जाएगा। वो ना सच सुनने की हालत में, ना चलने की हालत में। मुझे आप ही फैसला कीजिए। ठीक है ना अम्मा? हाँ दुल्हन, हम समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाह रही हो। दुल्हन, इसको संभालो, तब तक हमारी पूरी नजर रहेगी बड़की ठकुराइन पर। तुम
तुम लेके जाओ इसे अंदर। दामाद जी, जी हमारी बंदूक ले आओ। बंदूक? हाँ बंदूक। चलिए कमरे में चलिए आराम से। हे, क्या कर रहे हो? चलिए तुम चलो दोनों अंदर। जब तक हम नर्स के घर नहीं जाते तब तक तुम दोनों हमारी निगरानी में रहोगे। चलो। चल रहे लेकिन चलो चलो। चलो चलते चलो चलो चलो। श्रवणी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जानती हम आपसे कितना प्यार करते हैं। नहीं, आप नहीं जानती। जब से आपसे अलग हुए हमारा जीना मुश्किल हो गया। ये दिख रहा है तुम्हें? शिवांश के नाम की मेहंदी लगी है हमारे हाथ में। हम उसकी होने वाली पत्नी है। ना तो तुम उनकी बीवी हो और ना कभी हो सकती हो। चाहे 7 फेरे ले लो या 14 फेरे। तुमने आ पाई तो हम खुद आगे सबको लेकर यहाँ। बता दो सबको सच सच, वो दुखी बच्चा गिराने के लिए तुमको इन्होंने कहा था। बताओ सबको सच बताओ। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।